जी काहे का स्वच्छ भारत, काहे का स्वच्छ अभियान, यहाँ तो कुछ भी कोई भी अभियान नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं हालत कितनी गंभीर, कितनी बुरी हो रखी है और गंभीर से गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ये गटर का पानी है, गटर का पानी भरा है, कोई नहीं सुनता जी। बोर्ड लेने की तरफ तो कहते हैं बोर्ड डालो, बोर्ड डालो, अब तो बोर्ड तो उड़ी जाएंगे, कुछ नहीं देना। फरीदाबाद में सीवर ओवरफ्लो समस्या से स्थानीय निवासी नारगी जीवन जीने को मजबूर, कई बार कर चुकी शिकायत, कोई सुनवाई नहीं। जी आपको बता दे, बल्लभगढ़ स्थित त्रिखा कॉलोनी के लोग सड़क पर सीवर के गंदे पानी के ओवरफ्लो व जमाव के कारण नारकी जीवन जीने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीती 18 तारीख से यह समस्या बनी हुई है और कई बार संबंधित विभाग में शिकायत करने के बावजूद यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि जहां एक और आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं तरह तरह की बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में स्थानीय लोगों ने क्या कहा। हम क्या कहेंगे, हमें परेशानी इतनी हो रही है, बदबू लग रही है सबसे ज्यादा, आदमी मरेगा नहीं तो क्या होगा बताए। ये मोदी कई तीन चार दिन हो गए रोजी ना कह रहे, तो बोले शिकायत करिए तो बोले यहाँ नहीं सही होगा, अभी बाद में देखेंगे। अच्छा, लोग परेशान हो रहे हैं, देखो गाड़ी चल रही है ऊपर, परेशानी हो रही है, रास्ता नहीं निकल रहा है, हम काम पे जा रहे, काम वाले परेशान हो रहे, ड्यूटी पे कैसे जाए बच्चे। नाम बिन नारायण सिंह। कौन सी गली नंबर है, कौन ये गली नंबर 4F जी, अब मकान नंबर 26। कब से भरा हुआ है यहाँ पर ये? आज ये भरा आया, कम से कम सोमवार से भरा हुआ है, सोमवार से 18 तारीख से भरा हुआ है। अच्छा, तो कोई शिकायत या कुछ की है? कुछ शिकायत करके आए सामने यहाँ ऑफिस में, कोई शिकायत नहीं आ रही है, कुछ समाधान नहीं हो रहा, कोई समाधान नहीं हो रहा। क्या कहेंगे सरकार को? अब क्या कहो, हम वोट डाला आपने? नहीं वोट डालेंगे किसी के वहाँ पर, हम नहीं डालेंगे। परेशान ज्यादा तो कैसे डाल देंगे वोट, हम लोग डालेंगे जो हम वोट डालेंगे जो हमारे काम आएगा। कितनी परेशानी हो रही है? अरे बाबूजी परेशानी ज्यादा है, आपको भी परेशानी कर रही है, बदबू मार रही है, जटरी का पानी है, ये सारे चूते बदबू जा रही है, वहाँ तक बदबू जा रही है सारी गली में, बाहर निकलते तो छींटे आते हैं। आप भी खड़े हुए हैं, ऊपर का पानी भरा है, कोई नहीं सुनता जी। वोट लेने की तरफ तो कहते हैं वोट डालो, वोट डालो, अब की बार वोट तो उड़ी जाएंगे, कुछ नहीं देना इनको। इस बार दिया था वोट? दे तो आए, दे आए, किसको दिया था? बीजेपी को दिया, काफी दिन हो गए, बच्चों को दिक्कत हो रही है आने जाने के लिए, और आप भी लोग आपके लिए परेशानी है, बताओ। अब बच्ची आती है वहाँ से स्कूल से, बेचारी कोटे से आती है, अब बेचारी ऑटो मिल जाए तो बेचारी पार कर ले, बेचारा बेचारो लड़कियाँ बेचारी कॉलेज में जाती है, उनके भी तो दिक्कत, लड़कियों को तो दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चों को दिक्कत है दुकान पे जाने के लिए, इसलिए परेशानी यही है। क्या करोगे, इसका संविधान हो कुछ तो कम से कम, है। मेरा नाम सोनिया है। सोनिया जी पानी भरा हुआ है यहाँ पे, कहाँ रहते हो आप? मैं तो यहीं पास में ही रहती हूँ। ये पानी भरा हुआ है तो कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है भैया, ये गटर का पानी है, इससे 50 तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं, बच्चों का आना जाना बंद है, स्कूल की बस भी आती है, हम सब्जी भाजी तरकारी लेने भी जाते हैं, बताइए कैसे करें, नहीं निकला जाता है। तो कब से हुई पड़ी है इसको? तो जी देखिए 15-20 दिन तो मुझे हो गए देखे देखे, और उससे पहले भी हो तो मुझे पता नहीं, मेरा अब हुआ है आना जाना। हाँ जी कंप्लेंट दी हुई है और बार बार इसकी कंप्लेंट जाएगी, तभी सुनवाई होगी, एक बार में तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब कुछ होता नहीं, उठते नहीं जल्दी से, सफाई कर्मचारी भी नहीं आते, गटर भरे पड़े हैं तभी ये पानी लीक हो रहा है, निकल रहा है। जी काहे का स्वच्छ भारत, काहे का स्वच्छ अभियान, यहाँ तो कुछ भी कोई भी अभियान नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं हालत कितनी गंभीर, कितनी बुरी हो रखी है और गंभीर से गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ये गटर का पानी है।